बेला बेटा, इसमें पूजा की सामग्री है, ठीक है? मैं कुल देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों को लंबी और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी दे। एंड बच्चे कुल देवी के मंदिर जा रहे, आशीर्वाद दे दो इन्हें। डैड। बाह बाह, वाह वाह, अपने बेटे और बहू को कुल देवी के मंदिर भेजा जा रहा है, और मेरे बेटे का क्या? फॉलो मी। सुहानी और प्रथम तुम्हारे घर से निकल चुके हैं, कभी कभी बोलने से पहले एक बार पूछ तो लिया करो। ओ माँ दुर्गा, मैंने प्रथम की बात कब की सुमित्रा दीदी? फॉलो मी। कुल देवी के मंदिर में सिर्फ शादीशुदा जोड़े जाते हैं, और आधी की शादी अब तक हुई नहीं है। सो मैंने आदि की बात कब की? ओह, तो हमारे और भी बच्चे हैं? अगर है भी तो I don't wanna know. है ना? या? एक है। रोमियो है ना? इधर आओ। जल्दी जल्दी रोमियो, आ जल्दी आ जल्दी जल्दी। ये इनसे कि है मिस्टर एंड मिसेस तो, और ये भी जाएंगे। पॉलोमी, ये रसम मेरे बच्चों के लिए है, तुम्हारे इन चूहों के लिए नहीं। बेटा तुम लोगों को देर हो रही है ना, तुम लोग जाओ। जी मैम। चल संभल के जाना। वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं पतली गली पकड़कर भाग निकल, वो भी दोस्त को ढूंढे बिना। Excuse me. Excused. I mean, आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ACP अजिताभ सिंह। हाय सर। हाय। जांच करने आए हैं यहाँ। रेहान मित्तल की, मैं जानता हूँ, मैंने आपको फोन किया था। मेरा नाम है माहिर सहगल। माहिर साहब, मानना पड़ेगा काफी माहिर हैं आप। हमें अपना केस थमाकर खुद अपनी बीवी को थामे आप तो यहाँ से निकलिए, लेकिन ये तो चीटिंग हुई पुलिस के साथ। देखिए, वो एक फैमिली रिचुअल के लिए जा रहे हैं, प्लीज इन्हें टोकिए मत। अरे नहीं नहीं, हम टोकते नहीं है, हम तो बस ठोकते हैं। मेरा मतलब पुलिस वाले हैं। ड्यूटी तो करनी पड़ती है। नहीं, खैर यहाँ पर बेला कौन है? मैं। आपसे कुछ पूछना है। उस रात को आप हवेली में थी, और वहाँ एक पेन मिलेगा, एक कलम, स्याही नहीं होगी तो भी चलेगा। पेन। बहुत बढ़िया। अभी अभी पीने की आदत छोड़ी है, सिगरेट। कभी कभी तलब उठती है तो बस हाथों में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं पूछ रहा था आपसे कि उस रात को आप हवेली में थी, कोई आवाज सुनी आप? किसी के चीखने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की कोई आवाज? जी नहीं। पक्का? कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप? क्या मतलब? मतलब साफ है, पुलिस वाले हैं, पूछना हमारा फर्ज है, बताना उनका कर्तव्य है, तो बस पूछ रहा हूँ। CCTV फुटेज में नजर आया कि रेहान हवेली से निकलकर जंगल की तरफ भागा था, और जब जूम किया तो पता चला कि उसका मुंह खुला हुआ था। खुला हुआ था मतलब शायद वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उसके पीछे कोई हो, कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजी सबको बता देना, सबको बता देना। नहीं, कानू वाले, कानू वाले। तो बस इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने कुछ सुना था बेला? बेला जी। वाह वाह, क्या बात है। माहिर साहब, मानना पड़ेगा काफी इज्जत से बुलाते हैं आप अपनी बीवी को। अगर आप ही की तरह हिंदुस्तान के सभी मर्द अपनी बीवी को यूँ इज्जत देने लग जाएं तो हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बेला से बेला जी कहकर तमीज से बात करो, और अगर बेला कह रही है कि उसने कुछ नहीं देखा तो चुपचाप मान लो, क्योंकि बेला झूठ नहीं बोलती। Is that clear? Crystal clear. Mr. and Mrs. बेला, अब आप जा सकते हैं। Thank you. चलो बेला। Oops, sorry. पेन गिरने के शोर से आप डिस्टर्ब हो गए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी बेला जी, कान काफी तेज हैं आपके, पर मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि उस रात को आपको वहां कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। शॉकिंग, अनसरप्राइजिंग। खैर, जा सकते हैं। चलो भाई।
ये लोग तो निकल लिए, अब आप ही लोगों से सवाल करते हैं। बताइए कौन कौन था उस दिन हवेली में? मैं, वहां थी तो नहीं लेकिन आपकी मदद जरूर कर सकती हूँ। मैं जामिनी रेहान बाबू की मंगेतर। मैं एक बात सोच रहा था। क्या? हमें उनके लिए कोई वेडिंग गिफ्ट ले लेना चाहिए। वेडिंग गिफ्ट? हाँ, मतलब अभी नई नई शादी हुई है ना उनकी, एक वेडिंग गिफ्ट तो बनता है। मैं प्रथम सुहानी को दे चुकी हूँ वेडिंग गिफ्ट। दे तो मैं भी चुका हूँ लेकिन तब प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे सोचने में ज्यादा। अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। पर आपने कहा आप ऑलरेडी। हाँ मैं ऑलरेडी, कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सोच चुका हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज हम लोग वो हेज एंड हर बोल दे दें, या वो रेनकोट सही रहेगा जिसमें वो छाता लगा हुआ होता है, या तो एक काम करते हैं हड्डियाँ दे देते हैं। हड्डियाँ? हड्डियाँ, कुत्तों को हड्डियाँ पसंद है ना। कुत्तों को? तो ओ कुत्तों की बात कर रहे हैं तो तुम क्या, ओ तुम समझी प्रथम और। हाँ मैं मिस्टर एंड मिसेस पोस्टो की बात कर रहा था। अगर मैंने प्रथम को कुत्ता बोला तो पोलो आंटी मुझे पट्टा पहना देंगी। You know what? You should smile often. Like, suit करती है आप पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी के लिए इतनी खबर काफी है। मैं चलता हूँ। और हाँ, वो माहिर की क्या नाम है उनका, उनकी बेला जी। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं लेकिन आपने बता दिया। Thank you. आदी बे, क्या हुआ? आप एक काम करिए, आप अंदर चलिए। बे, 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 ना, हे, हटो, चलो चलो, लाइसेंस और गाड़ी के पेपर दिखाओ जल्दी। चलो टिक्की भी दिखाओ। और मैडम आप ठीक तो है ना, कोई तकलीफ? क्या बदतमीजी है ये? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि आज तुम्हें किसी भी तरह इस माहिर को खत्म करना है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। प्रथम और सुहानी भी हैं पीछे। हाँ तो वो पीछे है ना, और तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस चिता जलाने की चिंता करो। तुम्हें ये सब किसी भी तरह आज करना है। बेला, चलो बैठिए। सेफ जर्नी मैडम। लाइसेंस दिखाइए। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ओह गॉड, ये तो अपशकुन हो गया। अब
हाँ प्रथम, क्या एक काम करते हैं, हम लोग वापस आते हैं, रुको। अरे पर हाँ, मुझे पता है कि माँ ने कहा था 3 घंटे की पूजा के लिए, पर तुम लोग ठीक है, ख्याल रखो अपना। प्रथम का फोन था, वो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वो लोग नहीं आ पाएंगे। पर कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जाना चाहिए और पूजा करके आना चाहिए, जल्दी आ जाएंगे। हाँ यही ऑप्शन है। अब इससे आगे हम लोग पैदल ही जा सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकते, ऐसा मॉम ने कहा था। अब बेसिकली एक रिचुअल करना है। क्या? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मंदिर का रिचुअल है, I'm sorry। यहाँ से हस्बैंड वाइफ को पैदल लेके जाएगा लेक तक, और लेक से पानी भरने के बाद वहाँ से आगे ऐसे ही पहुँचाएगा मंदिर तक। पर देखिए माहिर जी, रिलैक्स, मंदिर पास में ही, हम जल्दी पहुँचाएंगे, यूल बी फाइन। ठीक तो है। मुझे क्या होना है, मैंने थोड़ी आपको उठाया। डो रही है, थोड़ा सा रास्ता भी आ जाएगा। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसे मैं सब चीजों में नहीं मानता, लेकिन माँ मानती है तो मैं रिवाज नहीं तोड़ सकता। माहिर जी, थैंक गॉड, ये बैग मामा ने पैक किया था। ये अब तुम नहीं भीगोगी।
आइए। लाओ बेटी। हे आदिशक्ति माँ जगदम्बे, आपकी जय जयकार हो। बेटा ये लो, अब कुलदेवी माता का आशीर्वाद दो और बैठ करके ये जोत जलाओ। बैठो। लो बेटा सिंदूर, यह सिंदूर तुम्हें अपनी पत्नी की मांग में भरना है। और हां, चुटकी भर नहीं, अच्छे से मांग भरनी है। हमने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया। 100 साल बहुत ही लंबा इंतजार है। और अब 100 साल बाद शिवजी ने हमें वरदान दे दिया हमेशा हमेशा के लिए एक होने का। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कभी नहीं। ये गलत होगा देवी माँ, आज जो सही है वही कर, वही करो माँ। बेला, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुलदेवी माँ का आशीर्वाद है तो हमें उनके चरणों में ही रख देना चाहिए। जैसी तुम दोनों की इच्छा। मैंने कहा था ना बेला, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसमें तुम ना चाहो, जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो। यही चाहती थी। इधर तुमने माता के चरणों में सिंदूर चढ़ाया और माता ने अपना आशीर्वाद देखो कैसे तुम तक पहुंचाया। अब तुम दोनों पर ये लाल रंग लग गया है तो तुम्हारे प्यार को किसी की काली नजर नहीं लगेगी। ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद ही नहीं, उनका आदेश भी है। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अखंड सौभाग्यवती भाव। आदि भैया, आपने बाहर क्या कहा, मैं सुन नहीं पाई। वो कुत्ते। आप डरिए नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब बताइए ना आदि भैया, आप क्या कह रहे थे। रेहान, रेहान की आवाज। आपने रेहान बाबू की आवाज सुनी थी, क्या कह रहे थे वो मुझे बताइए ना। उसने मुझे एक मैसेज किया था फोन पे, वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज? आपका फोन निकाल के ना मुझे सुनाइए, क्या बोल रहे थे रेहान बाबू। पता नहीं एक इंसान था, क्या कहा था उसने। मार देगी उसे वो। मार देगी? कौन मार देगी, किसकी बात कर रहे हैं आप, बताइए ना रिहान बाबू ने क्या कहा था आपसे। बोली आती भैया, यही कहा था उसने, यही कि वो मार देगी उसे। कौन था उसके पीछे, उसने नाम भी लिया था उसको। क्या नाम बोला था बताइए, क्या नाम था। ये लो बेटा, अब तुम माता के मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाओ, तुम्हारे पति यहाँ पर वचन लेंगे। जाओ। Thank you.
नहीं रुक जा बेटा, क्या सोच रही? विश ने जो कहा था वो सोच। आज इस लड़के का आखिरी दिन, आज इसे बचने का कोई मौका नहीं देना, आज मुझे इसे मारना ही होगा। बेटा शादी तो दो दिलों का बंधन होता है। मैं माता रानी के सामने तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम अपनी पत्नी को जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दो। अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई और वचन देना है तो वो भी आज जरूर दो। पंडित जी जिंदगी में मैंने कभी प्यार नहीं किया, हमेशा काम में ही बिजी रहा और फिर अचानक से हमारी शादी हो गई। बिल्कुल भी कुछ तय नहीं था, लेकिन मैंने ये कदम उठाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बेला को खुश देखना चाहता था, उससे किया हुआ हर एक वादा पूरा करना चाहता था। इसके अलावा माता के सामने कुछ और नहीं कहना चाहोगे? मैं देवी माँ को ये वचन देना चाहता हूँ कि मैं बेला का हर सूरत में साथ निभाऊंगा, अच्छे बुरे हर वक्त एक साए की तरह उसके साथ रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का काला साया ही है जो जब से तेरी जिंदगी में पड़ा है सब कुछ छिन गया है। तेरा, तेरी खुशियां, तेरा प्यार, तेरा विक्रांत, सब कुछ। याद कर बेला, इसका दिया हुआ एक एक आंसू, एक एक दर्द याद कर। मेरे रहते बेला की आंखों में कभी भी आंसू नहीं है। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका दुख सबको दूर करने की पहली वजह मैं ही बनूंगा। नाराजगी नहीं, नफरत है तुझसे, जो मरने से पहले तू जान जाएगा। तेरी आंखों में आंखें डाल के मारूंगी तुझे। बेला मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती है, लाइफ के किसी भी मोड़ पे, किसी भी वजह से। मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, उसको धोखा नहीं दूंगा, बल्कि हमेशा एक साथ ही नहीं उसका सहारा बनकर भी रहूंगा। बेला मेरे लिए हमेशा मुझसे आगे रहेगी। बेला की रक्षा करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा धर्म भी है, और मैं आखिरी सांस तक अपना यह धर्म निभाऊंगा। हमेशा, मैं हमेशा बेला की रक्षा करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। बेटा तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती लो। ये लो बेटा प्रसाद। सर्वावादाभ निर्मुक्तो धन धान्या सुपान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब तुम दोनों को घर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। बेटा जी, जीते रहो। आज तुम दोनों के मन में जो भी है वो अवश्य पूरा हो। क्या नाम लिया था अदी भैया, बताइए ना। रिहान पापा ने किसका नाम लिया था? क्या बोला आपने आदि भैया? वो देखो, वो इधर भी आ गई, इधर भी आ गई। कौन है वहां पे? कौन है? हटो वहां से। Leave me alone. You know what? मुझे बचपन से ही यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। ये पत्ते, ये बारिश की बूंदें, ये मेंढक की आवाज, ये झींगरों की आवाज, ये सौंधी सी मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलके ना एक अलग सा म्यूजिक क्रिएट करते हैं ना। लव दैट, अच्छा लगता है। मैं और मेरे फ्रेंड्स बचपन से यहाँ पे आते हैं। वो मंदिर के पीछे जो एक पेड़ है वहां तक बिना टॉर्च के जाना वाज अ टास्क। यू नो वी यूज्ड टू प्ले डेयर टू डू गेम्स जिसमें हमेशा मैं जीतता था। जैसे गेम कैसे होते थे, आई लव कमिंग हियर। यहां ना इतना अच्छा लगता है ना। फिर हवेली के पीछे वाले उस पुराने मंदिर को क्यों तोड़ रहे हैं? पर वो मैंने, एक सेकंड। हां मां, हां मां, मंदिर से हो लिए, अब घर आ रहे हैं। सब ठीक से किया ना माहिर? झील से पानी लेना, सिंदूर चढ़ाना, सब कुछ ठीक से किया? हाँ माँ, पानी ले लिया, प्रसाद ले लिया, झील से पानी लेकर चढ़ा दिया, पंडित से भी मिल लिए, सारे काम हो गए। ये बार बार क्या हो रहा है मुझे? मैं इसके आगे क्यों कमजोर पड़ जाती हूँ? अरविंद, तुम
क्या तरीका है ये? माफी नागरानी, माफी, मगर विशाखा जी ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा था। कहा था कि कभी भी अगर आपका हौसला डगमगा जाए इस इंसान को मारने में, तो मैं आपकी मदद करूं। नागरानी, ये दिन फिर कभी लौट के नहीं आने वाला। आज किसी भी हालत में इस माहिर को मारना ही पड़ेगा। हाँ जी, मैं एक सेकंड बेला से बात कराता हूँ। बात करवाओ। बेला। नागरानी, अगर आप चाहें तो जा सकती हैं। मैं अकेला ही इसे खत्म कर दूंगा। बेला? क्या हुआ? कहाँ गई बेला? I don't know, माँ। अभी तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ। माहिर, माहिर क्या हुआ? अंडी। बेला, बेला, बेला कहाँ है? बेला कहाँ है? क्या तूने उसके साथ? कहाँ है मेरी बेला? बोल। उसके छोड़। अपनी सोच अपनी। आज तू मरने वाला है। मांग रहा है अपनी ये। मुझे अपनी परवाह नहीं है। मेरे साथ जो करना है करो। मेरी बेला कहाँ है? मेरी बेला को छोड़ दो। बेला! एंडी! एंडी नीचे आओ, काओ! सुमित्रा दीदी, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? एंडी! हाँ सुमित्रा, क्या हुआ? एंडी, मैं माहिर से फोन पे बात कर रही थी और अचानक वो बहुत जोर से चिल्लाए। मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत गलत आ रहा है। तुम नीचे आओ ना एंडी, प्लीज। अरे क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों तो माहिर और बेला के साथ गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आए? मॉम, एक्चुअली रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और 3 घंटे में हम दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकते थे, तो हम लौट आए। What's wrong, सुमी? एंडी, मैं माहिर से फोन पे बात कर रही थी। माहिर बहुत जोर से चिल्लाए, फिर कोई आवाज नहीं आई। एंडी प्लीज कुछ करो, जरूर कोई है जो मेरे माहिर को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। Yes, you are right, आंटी। कोई है जो माहिर को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं जानती हूँ वो कौन है। शायद उस दिन आदि हम सबको यही बताना चाहता था, फिर उसका ध्यान बट गया, लेकिन आज मैंने सब सुन लिया। क्या सुना? क्या सुना अनु? क्या बोल रही तू? कौन है मेरे माहिर का दुश्मन? बेला। बता कहाँ है बेला? क्या क्या तुम लोगों ने मेरी बेला के साथ कौन सी बात तुम लोगों ने?
बेला, इसकी बातों में मत आ, कि मत सुन। दुश्मन है ये, बदला ले अपना, खत्म कर दे, मार दे इसे, मार दे इसे। आ गया, तेरा आखिरी वक्त आ गया। भैया, भैया, तुम कुछ हो रही थी वहाँ। क्या हो रहा है? क्यों और क्यों सोच रही हूं वो सब? माहिर से बदला लेना है मुझे, वो दुश्मन है मेरा, उसने विक्रांत को मारा, मुझे उसे मारना है, मुझे मुझे उस माहिर को खत्म करना है, मौत देनी है उसे, मौत, मौत। पूरी तरह से पागल ही हो गई है, क्या बकवास कर रही है, और वो भी बेला के बारे में। हाँ, बहू बनी कातिल। बोलो जस्ट शट अप। अनु तुम कुछ भी बकवास मत करो, बेला अच्छी लड़की है, तुम चुप रहो, तुम तो उसी की साइड लोगी ना, उसकी फ्रेंड जो। अनु मेरी बात सुनो, पर तुमको पता है ना कि आजकल आदि भाई कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जब से जेल से आया तब से, यू नो दैट नो। लेकिन आदि को बेला के बारे में सब पता है और सब सही सही पता है, भाई था कि जस्ट बिलीव हिम। आंटी मान लेते कि आदि ने, आदि सब बकवास कर रहा है, लेकिन अभी जो आपने फोन पे सुना उसका क्या, माहिर यूं ही तो नहीं चिल्ला रहा था ना। मैं कह रही हूं हम आदि को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने रेहान के वॉइस नोट पे क्या सुना। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, हम क्यों रेहान की तरह किसी और का गायब होने का वेट कर रहे हैं। एकदम सही जवाब, चौंकिए मत, गलत वक्त पर सही एंट्री मारने की पुरानी आदत है हमारी। वैसे मिस मित्तल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। इसी बहाने हम भी आदि जी से बतिया लेंगे, तो बुलाइए आदि जी को, हम भी तो पूछें कि रेहान जी ने बेला जी का नाम लेते वक्त जी लगाया था या नहीं लगाया था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, संभाल अपने आप को बेला, अभी भी मार सकती है तो उस माहिर को। इतने सारे नेवले,
ऑफिसर आप अचानक क्या कैसे? मुसीबत अचानक आती है क्या? एंडी साहब मेरा मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। आदि कहाँ पर? देखिए ऑफिसर इस वक्त मामला कुछ और, मेरा बेटा माहिर नहीं मिल रहा, ना ही उसका फोन लग रहा है। आंटी मैं बता रही हूँ माहिर को मुसीबत में और वो भी कुछ बेला की वजह से। आदि ने खुद कहा मुझे। लड़की तुम बार बार पुलिस वालों के सामने ये मेरे बेटे का नाम लेना बंद कर दो। हाँ एक बार पहले वो जेल जा चुका है, अभी भी शांति नहीं है। काम डाउन बोलो। कमाल की फैमिली है, पूरा का पूरा खानदान ही क्रिमिनल्स का है। ऑफिसर माइंड योर बिजनेस, डोंट जज माय फैमिली। गॉट दैट? सर हम जज नहीं करते, जज तक पहुंचाते हैं। नो ऑफेंस एंडी साहब। तो मैं क्या पूछ रहा था, कौन मुझे बताएगा आदि के बारे में? मिस मित्तल आपने जो अभी सबको बताया क्या वो आपको आदि ने खुद बताया? आदि ने खुद नहीं बताया, वो किसी और को बता रहा था और मैंने ये बात सुनी। देखा चोरटी है एक नंबर की। कहा था ना मैंने लोगों की बातें सुनती दरवाजे के पीछे खड़े होकर कान लगा के। इसे जेल जाना चाहिए, इसको लेके जाइए प्लीज। यहीं से एक मिनट छोड़ियो हमें शांति। हाँ तो मिस मित्तल आदि किससे बात कर रहा था? जामिनी, वो जामिनी थी। जामिनी तो बुलाइए जामिनी को, आदि को भी बुलाइए और जामिनी को भी बुलाइए, हम दोनों से बात करेंगे। जाओ बल्टू बुलाओ। बल्टू बल्टू हाँ हाँ वही बुलाओ। आदि 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 जामिनी आदि। मीर घर के लोगों का यही प्रॉब्लम है, बड़ों को पता ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ पर है। एंडी एंडी आदि तो यही कहीं घर में होगा, लेकिन जरूर बेला और माहिर को एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। प्लीज एंडी एंडी आदि नहीं मिल रहा, वो अपने रूम में नहीं है, हमारा बेटा रूम में नहीं है। सुन क्या दीदी, आदि अपने रूम में नहीं है, मैंने अभी जाके देखा। जस्ट शट अप पोलो, नॉट राइट नाउ। एंडी प्लीज चलो ना, हम ही उन्हें ढूंढने निकलते हैं। ओके लेट्स गो, कम। मैं भी चलूंगी। एंडी 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 देखो मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे पहचान गए, तुम लोग हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हो और हम नाग नागिने तुम्हारे दुश्मन, लेकिन आज नहीं, आज मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, आज मेरा शिकार कोई और है, जाने दो मुझे। लगता है बिना मरे नहीं मानोगे तुम लोग। मैं इस माहिर को भी नहीं मार सकती, इन सारे नेवलों के सामने मैं अपने स्वरूप में नहीं आ सकती। क्या करूं अब?